अच्छा, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, कुछ 5 यंग माइंड्स जो है ना, उन्होंने सोचा क्यों ना हम सोलर कार बना, ठीक है। वो जब जर्नी वो सक्सेसफुल हुई तो इन्होंने बोला, उस वक्त फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन था लेकिन पाकिस्तान में नहीं था, तो दे थॉट व्हाई नॉट फॉर्मूला स्टूडेंट पाकिस्तान, और वो भी इलेक्ट्रिक। तो फ्रॉम देयर जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोग हर साल जो है ना यूके, फॉर्मूला स्टूडेंट यूके जाते रहे, हर साल हमारी पोजीशन ग्रेजुअली इंक्रीज होती रही। पहले हम आए थे, जो स्टार्टिंग था वो 21 था, ठीक है, पर उसके बाद 5th है, फिर 6th है, फिर इस तरह जो है ना लास्ट हम लोग सबसे जो रशिया में जाए थे ना 2021, वी वर द ओनली पाकिस्तानी टीम जो पोडियम फिनिश आई है ओवरऑल, ठीक है। तो दैट्स अ ओवरऑल वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर टीम। और अब ये जो है हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें देख के टेस्ला भी इम्प्रेस हुई और उसने हमारी टीम को स्पॉन्सर किया, और दैट्स अ बिग अचीवमेंट जब आपकी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टेस्ला वो हमें स्पॉन्सर करे तो हमें बूस्ट मिलता है। और यही चीज़ हम, ये हमारी 5th व्हीकल है, और इंशाल्लाह इन जुलाई हम जा रहे हैं फॉर द कॉम्पिटिशन, इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू गेट अ गुड पोजिशन। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने इस साल अपग्रेड की हैं, सबसे पहले तो आप देखें जो चैसी हमने बनाई है, हम इसके अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ट्राई आउट करते हैं। तो एक स्टील स्पेस फ्रेम चैसी है जो कि आप अमूमन लोटस वगैरह इनकी सुपर कार्स में, इनकी रेस कार्स में आप देखते हैं, तो ये हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसके अलावा जो मोटर बाइक्स वगैरह के शौकीन हैं उन्हें ओलेंस ब्रांड का ज़रूर नाम होगा, तो इसमें ओलेंस के शॉक्स लगे हुए हैं। सस्पेंशन डिज़ाइन हमने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है कि गाड़ी रेस ट्रैक के हिसाब से सस्पेंशन हो। इसके अलावा गाड़ी का जो पूरा ड्राइवर के लिए प्रोटेक्शन के लिए पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी आम गाड़ी में जैसे 3 जगह पे का सीट बेल्ट अटैच होता है, इस गाड़ी में 7 जगह पे अटैचमेंट्स हैं, तो किसी भी मुश्किल से सूरत हाल में ड्राइवर फुल प्रोटेक्टेड रहता है। और आपने अमूमन, हम ये भी वीडियोस देखते हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पे जो गाड़ियों के बारे में बता रहे होते हैं कि गाड़ी की क्रैश सेफ्टी पे, तो हम पहले ये करते थे पिछली गाड़ियों में कि कंपटीशन का दिया हुआ अपना एक क्रैश प्रोटेक्शन डिवाइस होती थी वो हम लगाया करते थे। इस बार हमारी टीम ने खास इस पे काम किया है, हमने एल्युमिनियम हनीकॉम बाहर से प्रोक्योर किया है और उसके ऊपर हमने क्रैश स्ट्रक्चर बनाया है, तो गाड़ी अच्छा खासा अगर फुल ऑन हेड इम्पैक्ट लेती है उसमें भी ड्राइवर को कुछ भी नहीं होगा और गाड़ी पूरी सलामत रहेगी। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम खुद नहीं बना सकते, फॉर एग्जांपल के टायर्स हो गए, रिम्स हो गए, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ये पूरी गाड़ी जो बनी है इसका जितना चैसी है वो पूरा पाकिस्तान से हमने इसके पाइप खरीदे खुद, हम सब स्टूडेंट्स ने पाइप काटे, इसकी वेल्डिंग वगैरह सब इधर हुआ है, सस्पेंशन का पूरा डिज़ाइन, हर एक पार्ट जिसकी मशीनिंग हुई है, CNC मशीनिंग, लेथ, वायर कटिंग, ये सब पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, मैं बेसिकली ना इस, मैं ऑटोनोमस डिपार्टमेंट की हूँ। ऑटोनोमस हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग एक सॉफ्टवेयर स्टैक बना रहे हैं ताकि हम इसी गाड़ी को फुली ऑटोनोमस कर लें, लाइक उसको हम लोग ड्राइवरलेस कर लेंगे। तो हमने इस पर सॉफ्टवेयर स्टैक पे काम करे, तो उसमें ऑफकोर्स काफ़ी सारे बग्स आते हैं, फिर उनको डीबगिंग करना होता है, तो उसमें काफ़ी आपका लगता है टाइम। तो उस पर हमारा एक सॉफ्टवेयर स्टैक इज़ ऑलमोस्ट डन, और हम लोग उसका भी प्रोटोटाइप इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बना लेंगे, और फिर जब हम लोग एक प्रोटोटाइप इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बन जाएगा, फिर हम लोग उसी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑन दिस कार, और फिर इंशाल्लाह विल हैव अ फुली ऑटोनोमस कार, इंशाल्लाह फर्स्ट फुल ऑटोनोमस कार ऑफ पाकिस्तान भी हमारे ही ऊपर आएगा इंशाल्लाह। हर्डल्स आती हैं ऑफकोर्स, काफ़ी हमें भी सॉफ्टवेयर स्टैक बनाने में काफ़ी हर्डल्स आती हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था, जीरो से स्टार्ट लिया है और पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक बनाया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट कल्चर प्रोमोट हो, फिर ड्राइवरलेस कल्चर भी प्रोमोट हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इको फ्रेंडली कल्चर है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं हम लोग, तो इको फ्रेंडली भी है, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ना यूथ के अंदर ये चीज़ आए कि वो लोग भी इस तरफ आएँ, और लाइक फार्मूला कार्स ना प्रोमोशन हो इसकी यहाँ पर। जुलाई में हमारा कॉम्पिटिशन है और इससे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। पिछले बार हमारा एक तो वीज़ा का बहुत बड़ा मसला आ गया था जैसे कि हम सब जानते हैं, तो ये गाड़ी नहीं जा पाई थी, इस बार हमने गाड़ी को अपग्रेड किया है, इसको और बेहतर बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हमने जो इस पर मेहनत लगाई है गैराज में, अपने ऑफिस में, क्लासों में भी पढ़ के, उसके बाद ही हम लेट लेट नाइट तक इस पर काम करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा कॉम्पिटिशन की हर कैटेगरी में, इंशाल्लाह हम एस करेंगे। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।